नमस्कार, बिजनेस की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने दुनिया भर की सरकारों से इकोनॉमी में रिकवरी के लिए और राहत पैकेज देने का आग्रह किया है, जो कोविड-19 महामारी के कारण लिक्विडिटी ट्रैप में फंसी हुई है। एक आर्टिकल में गीता गोपीनाथ ने कहा कि पहली बार 60% ग्लोबल इकोनॉमी के सेंट्रल बैंकों की ब्याज दरें 1% से भी नीचे आ गई हैं, जिसमें 97% एडवांस्ड इकोनॉमी शामिल है, जबकि 20% सेंट्रल बैंकों की ब्याज दरें निगेटिव हो गई हैं। डाबर इंडिया ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए। सितंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 13.7% बढ़कर 2516 करोड़ रुपए रहा। ये पिछले साल की समान अवधि में 2212 करोड़ रुपए रहा था। रेवेन्यू ग्रोथ का यह आंकड़ा बीते दो सालों में सबसे अधिक है। इसके अलावा सनफार्मा का मुनाफा भी 70.4% बढ़कर 1813 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 19.5% बढ़कर 481 करोड़ रहा, जो पिछले साल 403 करोड़ रुपए रहा था। एशिया के शेयर सिंगापुर ने कहा है कि वह अगले साल की शुरुआत से 1000 सिंगापुरी डॉलर को सर्कुलेशन से हटा रही है। देश के सबसे बड़े नोट की प्रिंटिंग बंद कर सिंगापुर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के जोखिम को कम करना चाहता है। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने कहा कि अभी से लेकर दिसंबर 2020 तक हर महीने एक सीमित मात्रा में 1000 सिंगापुरी डॉलर के नोट उपलब्ध कराए जाते रहेंगे। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप नोटबंदी का यह कदम उठाया है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 4574 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। एक साल पहले समान तिमाही में हुए 3012 करोड़ रुपए के लाभ की तुलना में ये 51.9% ज्यादा है। फायदे में इतनी बढ़त इसलिए हुई क्योंकि बैंकों ने कम प्रोविजन किया, शुद्ध ब्याज आय बढ़ी और ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स MP नगर Zone 1 भोपाल। फोन नंबर 7898128620। चीन के सबसे अमीर बिजनेसमैन जैक मा दुनिया का सबसे बड़ा IPO लॉन्च करने में व्यस्त हैं। वे आजकल अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड के सबसे भव्य चार दिवसीय डबल 11 शॉपिंग एक्स्ट्रा वैगेंजा की तैयारी में डूबे हैं, लेकिन उन्हें एक शब्द की कीमत 2.55 लाख करोड़ रुपए के रूप में चुकानी पड़ी। दो हफ्ते पहले मा को किसी तरह शंघाई में एक हाई प्रोफाइल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पर चीन के बैंकिंग सिस्टम पर विचार व्यक्त करने के लिए समय मिल गया। बस फिर क्या था, उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। बुधवार को वायदा बाजार में सोने की मांग में कमी के चलते सटोरियों ने अपनी पकड़ कमजोर कर ली, जिसके चलते सोने का भाव 388 रुपए गिरकर 51,210 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी तरफ वायदा कारोबार में चांदी कमजोर मांग के चलते 1506 रुपए गिरकर 61,179 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में डिलीवर होने वाले सोने की कीमत 388 रुपए गिरावट के साथ 51,210 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। देश का सर्विस सेक्टर लगातार महीने की गिरावट से उबर गया। बुधवार को जारी एक मासिक सर्वेक्षण के मुताबिक बाजार के बेहतर माहौल और कोरोना वायरस से जुड़ी पाबंदियों में ढिलाई के बाद अक्टूबर में सर्विस सेक्टर में तेजी दर्ज की गई। इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स अक्टूबर में उछलकर 54.1 पर पहुंच गया, जो सितंबर में 49.8 पर था। फरवरी के बाद पहली बार इंडेक्स 50 से ऊपर आया है। इंडेक्स जब 50 से ऊपर रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि संबंधित कारोबारी सेक्टर में तेजी आई है। इसी तरह से इंडेक्स के 50 से नीचे रहने का मतलब संबंधित कारोबारी सेक्टर में गिरावट होता है। जेट एयरवेज का शेयर दुनिया में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला एयरलाइन शेयर बन गया है। जेट के शेयरों ने इस साल निवेशकों को 150% का रिटर्न दिया है। खास बात यह है कि कंपनी ने आखिरी उड़ान पिछले साल अप्रैल में भरी थी। ज्ञात हो कि कंपनी भारी कर्ज में डूबी हुई है और दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। दूसरी ओर भारत सहित दुनिया की अन्य एयरलाइंस कंपनियों के बिजनेस में कोरोना दौरान भी हल्की ग्रोथ देखने को मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को यस बैंक घोटाला मामले में कपिल और धीरज वधावन की जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों DHFL के पूर्व प्रमोटर्स हैं। उन पर यस बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। न्यायमूर्ति सारंग वी कोटवाल की एकल पीठ ने कपिल और धीरज वधावन की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया है। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS News ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS News ऐप। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। इसी के साथ बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए EMS TV। नमस्कार।